स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल कमर्शियल बैंक्स को जब सेंट्रल बैंक से लोन लेना होता है तो वो किस रेट पे लेती है क्या वो रेपो रेट पे लोन लेती है या वो बैंक रेट पे लोन लेती है अगर वो बैंक रेट पे लोन लेती है तो क्या डिफरेंस है रेपो रेट और बैंक रेट में कौन से रेट में कोलेट्रल सिक्योरिटीज प्रोवाइड करनी होती हो और क्या ड्यूरेशन होता है रिस्पेक्टिव रेट्स का मतलब कौन से ड्यूरेशन अगर हमें लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए लोन चाहिए तो हमें बैंक रेट को रेफर करना है या रेपो रेट को तो यही बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट के दिमाग में होते हैं कुछ कन्फ्यूजन्स है जो रेपो रेट और बैंक रेट के बीच में एग्जिस्ट करती है सो so, आज का जो हमारा वीडियो है कंसेप्टोनॉमिक्स में हम इसी को डील करेंगे एज टू वॉट बैंक रेट इज़ एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी रेपो रेट सो वेलकमिंग यू ऑल टू दी यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी आई क्यू मेरा नाम नानकी बवेजा है आपने मुझे मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी देखा होगा कि कॉन्सेप्टोनॉमिक सीरीज़ में किस तरीके से हम एक एक कॉन्सेप्ट को पकड़ के चल रहे हैं कैसे एक एक कॉन्सेप्ट को समझते आ रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर रेपो रेट की बात करें तो ऑलरेडी आई हैव मेड अ वीडियो अब वो वीडियो कहाँ मिलेगा वो वीडियो मिलेगा आपको प्लेलिस्ट लिस्ट कंसेप्टोनॉमिक्स वो कहाँ अवेलेबल है अवेलेबल है स्टडी आई के यूट्यूब चैनल पे बस आपको वहां जाना है और आपको टाइप करना है कंसेप्टोनॉमिक्स और पूरी प्ले आपके सामने आ जाएगी और जहाँ आपको जाके देखना है कौन सा वीडियो रेपो रेट का वीडियो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैंक रेट के बारे में एज टू बैंक रेट इज वॉट रेट एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम दी रेपो रेट सो बैंक रेट स्टूडेंट्स बात करें तो बैंक रेट्स भी इट इज़ सिमिलर टू दी रेपो रेट सिमिलर इन दी सेंस कि जब भी जब भी कमर्शियल बैंक्स को लोन लेना होता है सेंट्रल बैंक से तो हमारा सेंट्रल बैंक क्या है सेंट्रल बैंक हमारे देश का है आर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक्स लाइक एग्जाम्पल एच डी एफ सी लाइक आई सी आई सी आई लाइक येस बैंक सो कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं जिनका मोटिव होता है प्रॉफिट मेकिंग एज़ कम्पेयर टू दिटिव बैंक्स जिनका मोटिव या अल्टीमेट मोटिव प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता है तो जब भी कमर्शियल बैंक्स को लोन चाहिए होता है तो वो किसके पास जाते हैं सेंट्रल बैंक के पास अब उनके पास दो रेट्स का ऑप्शन होता है या तो वो या तो वो लोन ले सकते हैं रेपो रेट पर या तो वो लोन ले सकते हैं बैंक रेट पे तो बैंक रेट इज एज सिंपल एज कि जब भी कमर्शियल बैंक को लोन लेना है किससे सेंट्रल बैंक से तो वो या तो बैंक रेट पे लेगी या वो लेगी रेपो रेट पे तो अब इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ है और कब बैंक रेट यूज किया जाता है और कब रेपो रेट यूज किया जाता है आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं तो जब हम सिमिलैरिटीज़ की बात करें सिमिलैरिटीज़ की बात करें तो रेपो रेट एंड बैंक रेट दोनों कौन डिटरमाइन करता है RBI डिटरमाइन करता है इस चीज को याद रखेगा कि रेपो रेट एंड एज वेल एज द बैंक रेट बोथ आर डिटरमाइंड बाय द RBI विच इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर रेपो रेट एंड बैंक रेट बोथ इज यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक दोनों ही यूज किया जाता है किसके द्वारा सेंट्रल बैंक द्वारा किस लिए लोन लोन देने के लिए लोन देने के लिए किसको कमर्शियल बैंक्स को ठीक है अब रेपो रेट का एक्चुअली मोटिव क्या होता है जब भी आर बी आई रेपो रेट में कुछ चेंजेस करती है जब भी आर बी आई रेपो रेट में कुछ चेंजेस करती है तो आर बी आई का उसके पीछे मोटिव क्या होता है इट इज़ टू कंट्रोल द मनी फ्लो एंड इन्फ्लेशन रेट इन दी इकॉनमी एंड विद रिस्पेक्ट टू बैंक रेट ऑल्सो इट इज़ सिमिलर कि इट कंट्रोल्स द मनी फ्लो एंड इन्फ्लेशन रेट इन द इकॉनमी अब आप कहोगे कि मैम रेपो रेट चेंज करने से मनी कंट्रोल या मनी सप्लाई किस तरीके से चेंज होता है तो इसके लिए अब आपको रेपो रेट का वीडियो देखना होगा जिसमें जिसमें हमने बात करी थी कि जैसे ही रेपो रेट आरबीआई बढ़ाएगी तो मनी सप्लाई जो इकोनॉमी है वो घट जाएगी जब रेपो रेट घटेगा तो मनी सप्लाई इन इकोनॉमी बढ़ जाएगी एंड सेम इज एप्लीकेबल फॉर बैंक रेट आल्सो जैसे ही बैंक रेट बढ़ेगा तो मनी सप्लाई घट जाएगा जब बैंक रेट घटेगा तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा ये चीज़ें तो हो गई सिमिलैरिटीज़ की अब कहाँ डिफ्रेंसेज आते हैं रेपो रेट और बैंक रेट में वो जानना हमारे लिए उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो डिसिमिलैरिटीज़ है जो डिफरेंसेस है उसमें से बन के आता है तो आइए बात करते हैं जो डिफरेंस है बिटवीन दी बैंक रेट एंड दी रेपो रेट अंडर दी रेपो रेट अंडर दी रेपो रेट अगर कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए होता है तो उसको कुछ जाके गिरवी रखवाना पड़ता है सेंट्रल बैंक के पास और वो गिरवी क्या रखवाते हैं वो रखवाते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बट याद रखिएगा स्टूडेंट्स अगर बैंक रेट अगर बैंक रेट पे कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन ले रही है उनको कुछ भी को प्रोवाइड नहीं करना पड़ता है जी हाँ आपने सही सुना आप कहोगे मैम ऐसे कैसे अब इसके पीछे के नुआंस और लॉजिक को आप छोड़ दीजिए वॉट यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज़ कि जब भी रेपो रेट के अंडर लोन लेती है कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से दे हैव टू प्रोवाइड समथिंग एज दी को लेटरल वेर एज बैंक रेट पे अगर लोन ले रहा है कमर्शियल बैंक दैट इज अ को फ्री लोन कुछ भी एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाना नहीं पड़ता टेन्योर की बात करें मतलब क्या ड्यूरेशन के लिए लोन अगर शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए लोन लेना है देन इट इज़ दी रेपो रेट देन इट इज दी रेपो रेट टू विच द कमर्शियल बैंक्स रिसोर्ट टू वेर एज लॉन्ग टर्म पर्पज और लॉन्ग टर्म पर्पज भी कितना लॉन्ग टर्म दो साल पाँच साल दस साल जी नहीं सिर्फ अट्ठाईस दिन तो मैक्सिमम टन या मैक्सिमम ड्यूरेशन अंडर द बैंक रेट इज अपर लिमिट इज ट्वेंटी एट डेज वेर एज इन दी इन दी रेपो रेट इट इज वन डेज टू फोर्टीन डेज अगर फोर्टीन डेज से ज़्यादा लोन चाहिए तो कमर्शियल बैंक कौन से रेट पे लोन लेने जाएगी दे विल टेक लोन एट दी बैंक रेट सो शॉर्ट टर्म अगर शॉर्ट टर्म नीड्स जैसे मैंने आपको बात किया शॉर्ट टर्म नीड्स ऑफ दी कमर्शियल बैंक आर सर्वड अंडर दी रेपो रेट वेर आज दी लॉन्ग टर्म नीड्स जो होती है ऑफ दी कमर्शियल बैंक्स आर बेस्ट सर्वड आर बेस्ट सर्वड अंडर दी बैंक रेट एक लाइन और लिखी है यहाँ पे कि इट अफेक्ट्स इट अफेक्ट्स दी लेंडिंग रेट्स इन कंट्री वेयर एज रेपो रेट अफेक्ट्स दी लिक्विडिटी रेट लिक्विडिटी कितना मनी फ्लो करेगा इकोनॉमी में ज्यादा करना है या कम करना है आरबीआई किससे चेंज करती है आर बी आई चेंज करती है रेपो रेट को मैन्युपुलेट करके लेकिन लेकिन लेंडिंग कितनी क्रिएट करनी है और कितनी नहीं करनी है आर बी आई किससे मैन्युपुलेट करता है बैंकिंग रेट को चेंज करके आप कहोगे मैम कैसे तो फॉर एन एग्जाम्पल फॉर एन एग्जाम्पल ये आर बी आई आर बी आई ने एच डी एफ सी को एच डी एफ सी को चार परसेंट पे लोन दिया आर बी आई ने एच डी एफ सी को चार परसेंट पे लोन दिया अब एच डी एफ सी के पास जब राम लोन लेने आएंगे राम आएंगे श्याम आएंगे अनिल आएंगे ठीक है तो क्या एच डी एफ सी चार परसेंट पे लोन दे देगा ऑब्वियसली नॉट एच डी एफ सी विल गिव लोन एट द रेट सिक्स परसेंट अब मान लेते हैं अब मान लेते हैं आर ने ये रेट बढ़ा के आर ने ये रेट बढ़ा के कर दिया फ़ाइव अब एच क्या 6% पे छः परसेंट लोन देगा नहीं देगा क्यों क्योंकि जिस रेट पे एच को लोन मिल रहा था वो बढ़ गया है, तो एच जिस रेट पे लोन देगा टू राम श्याम एंड अनिल वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा सो नाओ मे बी एच विल चार्ज सेवन परसेंट फ्रॉम राम श्याम एंड अनिल तो बस यही तो हमने पढ़ा था यही तो हमने पढ़ा था हमने क्या पढ़ा था इट अफेक्ट्स अफेक्ट लेंडिंग रेट इन कंट्री लेंडिंग रेट बाय होम द रेट एट विच दी कमर्शियल बैंक लें टू द रिटेल कस्टमर रिटेल कस्टमर लाइक यू एंड मी जब हमें लोन लेने जाना है तो कौन सा रेट अफेक्ट करेगा दैट इज चेंज इन बैंक रेट विल डिसाइड कि हमें आप जैसे और मुझ जैसे लोगों को किस रेट पे लोन मिलेगा एंड द लास्ट इज द लास्ट इज क्या डिफरेंस है इससे पहले हमने सिमिलैरिटीज़ पढ़ी थी हम यहाँ पे डिसिमिलैरिटीज पढ़ रहे हैं एंड द लास्ट पॉइंट इज़ इट डज़ नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द इंटरेस्ट रेट ऑफ दी बैंक ऑब्वियसली क्योंकि डायरेक्टली इंपैक्ट इंटरेस्ट रेट का कौन से रेट के चेंज होने से आता है दैट इज दी बैंक रेट बट मुद्दे की बात दो मेन पॉइंट एग्जाम पर से आपको क्या याद रखनी है एक तो आपको टेन और याद रखना है एंड एक आपको याद रखना है को लेटरल्स रेपो रेट में कोलेट्रल प्रोवाइड करना होता है सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है बेरस बैंक रेट पर जब कमर्शियल बैंक लोन लेता है तो उसको कोई भी सिक्योरिटी कुछ भी चीज गिरवी नहीं रखवानी होती तो ये दो मेजर डिफरेंस है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सो दिस इज ऑल अबाउट दी कॉन्सेप्ट दैट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू इस पे अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है किस पे बैंक रेट एंड रेपो रेट पे देन यू हैव टू विजिट आइदर माई टेलीग्राम पेज विच इज नान की अंडर स्कोर बी ट्वेंटी टू या फिर इकोनॉमिक्स विद नान की द टेलीग्राम पेज इस पे आइए और क्वेश्चन सॉल्व करिए एंड कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस गेन करिए सो ऑल द बेस्ट एंड And stay tuned for more such videos. Hello, everyone. This is Disha Sharma. I am the student of the Study IQ UPSC Life Foundation Batch 1. I have shared my experience about the class content faculty and my mentor, Om Dwidhi sir. Class content is excellent. Their handouts and handwritten notes helped me a lot to boost up my preparation. The way of teaching Shashank sir is wonderful. I want to say special thanks to my mentor, Om Dwidhi sir, who resolved my every single doubt at any time. I am appreciative for your support. Thank you. स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल